साथियों नमस्कार। अभी अभी की बेहद दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है। खुद साथियों मुख्यमंत्री भी बुरी तरह से भावुक हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री के प्रिय यानी कि दोस्तों बात करें सीएम के प्रिय साथियों ओएसडी की मौत से साथियों खुद मुख्यमंत्री भावुक हो गए हैं। अभी अभी बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर है बस्ती से। बस्ती में एक सड़क दुर्घटना में सीएम के ओएसडी की मौत हो गई। वो देर रात परिवार के साथ कार में लखनऊ के लिए निकले थे। पटना में पत्नी और चालक घायल हो गए हैं। दोनों घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। इस हादसे में मुख्यमंत्री केम्स कार्यालय के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ओएसडी गुरुवार देर रात गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, तभी बस्ती में ये सड़क हादसा नेशनल हाईवे पर खजौला के पास हुआ है। ओएसडी की पत्नी को कराया गया है भर्ती। पत्नी को गोरखनाथ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं पर दोस्तों बात करें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ भावुक हो चुके हैं। उन्होंने भी शोक संतप्त व्यक्त किया है। श्री महाराज ने मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री महाराज ने मां मुख्यमंत्री कैब कार्यालय गोरखपुर के श्री मोतीलाल जी के सड़क दुर्घटना में बेहद दुखद निधन पर शोक प्रकट किया है। महाराज जी के दिवंगत आत्मा को शांति की कामना करते हुए शोकाकुशल कुल परिवारजनों को प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। लखनऊ में अपनी बहनों को देखने जा रहे थे ओएसडी मोतीलाल सिंह आजमगढ़ जिले के बूटनपुर गाँव के रहने।